ਹਰੀ ਕੇਸ਼ਰ ਤਿਲਕ ਜਲਤ ਗੈ ਜਗਤ ਚਾਲ संयोग की बात है कि बरगद के इस पेड़ के अंदर एक भूत का निवास था। दुल्हन जिसके उघड़े चेहरे को देखकर भूत की आंखें चौंधिया गईं। दुल्हन के शरीर में प्रवेश करने का दुर्विचार आते ही भूत को अचानक दया भाव का अनुभव हुआ। उसके मन में ऐसी उलझन तो पहले कभी नहीं उभरी। बैलगाड़ियों के ओझल होते ही वह मूर्छित हो गया और उधर बैलगाड़ी में बैठे दूल्हे के मन में भी उलझन कम नहीं थी। विवाह के खर्चे का हिसाब नहीं बैठा। बही खाते का सुखी तो सबसे बड़ा सुख है। कुदरत के हिसाब में भूल की कोई गुंजाइश नहीं तो फिर बनिए कि बही में कैसे चल सकती है। मैंने उनसे कहा एक बार बाहर तो देखें। ढालू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे उतरकर दो तीन अंजली ढालू मेरे लिए ला दें। ढालू तो निपट गवारों की पसंद है। ढालू की ख्वाहिश तुम्हें हुई कैसे? इच्छा हो तो गांठ खोलकर छुहारे खा लो, नारियल खा लो।
न जाना चाहे तो मैं तोड़ लाऊं। इन गुट्टे ढालुओं की घर पहुंचने के बाद बात भी मत करना, लोग हंसेंगे। हंसने दो। दुल्हन तो इतना कहकर अविलंब बैलगाड़ी से बाहर आ गई। अब सही बात का पता चला, पिताजी के डर के मारे अब तक हिसाब में उलझे हुए हैं। विवाह होना था सो हो चुका, पर हिसाब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब समझाकर मुझे इसी तीज को सवेरे दिसावर के लिए रवाना होना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अच्छा मुहूर्त अगले 7 वर्षों में फिर नहीं आएगा। पर गंवार दुल्हन तो शुभ मुहूर्त की यह खुशखबरी सुनकर लेश मात्र भी खुश नहीं हुई। बात सुनते ही ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया, कलेजे पर मरमान तक आघात लगा। यह क्या अनोखी बात सुनी, यकायक विश्वास नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कह दिया था, ये ढालू तो गंवारों की चीज है। बड़े आदमियों को अच्छे नहीं लगते। आखिर खाते नहीं बन पड़ा तो तुम्हें भी फेंकने पड़े। तेज धूप में जली सो अलग। दुल्हन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बैलगाड़ी के अंदर जैसे बंद चुपचाप बैठी पीहर की बातें सोचने लगी। माँ बाप का वियोग सहा, सहेलियों का साथ, भाई भतीजे, तालाब का किनारा, गीत, गुड्डा गुड्डी, छुरनी, आंख मिचौनी,
घर की मर्यादा का अच्छी तरह ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा बंदगी करना। इंसान की इज्जत तो अपने हाथ में होती है, दो दिन के लिए वासना को क्यों उभारा जाए। 5 वर्ष तक 2 दिन की रंगरलियां कष्ट पहुंचाएंगी और फिर समय गुजरते क्या देर लगती है, देखते देखते 5 साल उलट जाएंगे। फिर किस बात की कमी, यही मेड़ी, यही दीपक और यही रातें, बस वह किसी दुश्चिंता को अपने नजदीक न भटकने दे। आग छपकने के साथ ही 5 साल बीत जाएंगे।